बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रॉयल एम्ब्रॉयडरी। बारूक जैस्मिन बाय बारूक के आपको आर्टिकल्स दिखाए जाएंगे। शिफून के आर्टिकल्स हैं और सेम एज ओरिजिनल के आर्टिकल्स, पांच आर्टिकल्स आपको दिखाए जाएंगे। तमाम के तमाम हिट कोड्स हैं और बेहतरीन डिज़ाइनिंग सेम एज ओरिजिनल के आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। जैस्मिन का आर्टिकल 09 है, आर्टिकल नंबर 09। ये देखें, ये इसका आ गया रशियन ग्रिप का ट्राउज़र आ गया। ये देखें, ये आ गया इसका प्योर बैम्बस शिफोन के ऊपर इसका फ्लेयर। फ्रॉक स्टाइल में ये आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ और अब आपको पूरा फ्लेयर दिखाता हूँ जिसका ओरिजिनल में है। सबसे पहले आपको एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ये देखें, ये पूरा फ्लेयर जिस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम वैसे ही ये फ्लेयर दिया गया, सेम वही लेंथ दी गई है जिस तरह ओरिजिनल में है। जैस्मिन का आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये आ गई इसके स्लीव्स, ये देखें जी, ये इसके स्लीव्स आ गए। अब चलते हैं उसकी फ्रंट बॉडी की तरफ और बैक बॉडी की तरफ पे, और बैम्बो शिफोन के ऊपर इसके स्लीव्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड और सीक्वेंस के साथ। ये इसकी आपको फ्लेयर दिखाई गई। अब ये आ गई इसकी फ्रंट और बैक बॉडी। फ्रंट और बैक बॉडी जो है वो आप देखें, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी देखें, इसमें सीक्वेंस और थ्रेड का काम यूज़ किया गया। बड़ा डिसेंट आर्टिकल है और बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी की गई है। सीक्वेंस भी सेम पर सेम यूज़ किया गया है। ये इसका फ्लेयर है और एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करें तो जो फ्रॉक स्टाइल है उसके अंदर भी जो है वो थ्रेड वर्क सीक्वेंस वर्क यूज़ किया गया। अब चलते हैं आर्टिकल के पैचेस की तरफ। ये देखें, ये इसका फ्रंट बैक टू फ्रॉक है, उसका टोटल फ्लेयर का पैच आ जाएगा। सेम टू सेम वही क्वालिटी है जो ओरिजिनल में थी और एम्ब्रॉयडरी भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे की गई है। कलर बहुत हद तक जो है वो वीडियो के अंदर डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल में कलर दिया गया है सेम टू सेम वैसे ही है। ये देखें, ये जो फ्लेयर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये पैच है। ये आ गया जी इसका स्लीव्स का पैच। स्लीव्स के पैच की अगर बात करें तो यहाँ पर कलर काफ़ी हद तक डिफरेंट नज़र आ रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जिस तरह ओरिजिनल में कलर है, ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको कलर ये इस टाइम नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल कलर है। पर्पल कलर का ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये इसके स्लीव्स के पैचेस आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे इंशाल्लाह और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये आ गया जी इसका दुपट्टा, ब्रीजे नेट के ऊपर इसका दुपट्टा आ गया। खूबसूरत फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा विद थ्रेड सीक्वेंस के काम के साथ, अच्छी और फाइन नेट यूज़ की गई है, सॉफ्ट मटेरियल की नेट यूज़ की गई है। जैस्मिन बाय बारूक 09, आर्टिकल नंबर 09 आप देख रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आर्टिकल नंबर 03 स्किन कलर का ये आर्टिकल है। खूबसूरत तरीन आर्टिकल ये आ गया जी इसका रशियन ग्रिप का ट्राउज़र। ये आ गया इसका फ्रंट, प्योर बैम्बो शिफोन के ऊपर इसका फ्रंट है। कुछ लोग जो हैं ये प्योर बैम्बो शिफोन को प्योर क्रिंकल शिफोन कह के भी बेचते हैं, लेकिन ये बैम्बो शिफोन है, होता है ये अल्टरनेट जो है वो उसका क्रिंकल शिफोन का ही है, लेकिन कुछ लोग उसको जो है क्रिंकल शिफोन भी कह देते हैं। लेकिन हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो इसका एक्चुअल नाम है, क्योंकि समटाइम्स लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्रिंकल शिफोन का है तो शायद प्योर चाइना क्रिंकल यूज़ की भी है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं यूज़ करता। इवन के ओरिजिनल ब्रांड में भी जो है प्योर चाइना क्रिंकल इस आर्टिकल में जो है, या जो आर्टिकल्स आपको जैस्मिन बाय बारूक के दिखाए जा रहे हैं उसमें यूज़ नहीं की गई, उसमें भी प्योर बैम्बो शिफोन यूज़ की गई है। ये इसकी फ्रंट आपको दिखा दिया गया है, ये इसकी बैक साइड आ गई प्योर बैम्बो शिफोन के ऊपर, और ये आ गई इसकी एम्ब्रॉयडरी। ये इसके स्लीव्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, मल्टी कलर स्कीम की थ्रेड वर्क यूज़ किया गया है, इस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम वैसे ही है। और आर्टिकल बहुत डिसेंट है और फाइन है। ये इसका प्योर बैम्बो शिफोन का प्लेन दुपट्टा आ गया, और ये इसके पल्लू, टू साइड पल्लू, इस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। डिसेंट आर्टिकल है और सिंपल आर्टिकल है। पल्लू आपको दिखा दिए गए, पल्लू आपको दिखा दिए गए हैं, और ये आ गया इसका ट्राउज़र का पैच। ये देखें, क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करें तो डिटो इस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम वैसे ही है। थ्रेड और सीक्वेंस का काम किया गया है। ये दुपट्टे के पल्लू हैं, पल्लू की मेजरमेंट और पल्लू की लेंथ सेम टू सेम उतनी ही दी गई है, उतनी ही विड्थ रखी गई है जितनी ओरिजिनल में है।
जैस्मीन बाय बारूक, 5 आर्टिकल्स का ये मुकम्मल सेट है, 3 पीस सूट है, मुकम्मल 3 पीस सूट सेम एज ओरिजिनल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आर्टिकल नंबर 07 एम्ब्रॉयडर्ड शिफून का इसका फ्रंट आ गया, पूरा सूट जो है वो शिफून के ऊपर है, ये इसका प्योर बैम्बो शिफून के ऊपर फ्रंट, ये इसके फ्रंट की एम्ब्रॉयडरी आप देखें, आपको पूरा फ्रंट मैं दिखाता हूँ, ये इसका फ्रंट। अब एम्ब्रॉयडरी की तरफ चलते हैं, इसमें थ्रेड और जरी का काम किया गया, ये उसकी प्योर बैम्बो शिफून की बैक और साथ में जो है वो साइड पैनल्स आ गए और साथ ये इसके प्योर बैम्बो शिफून के स्लीव्स आ गए, ये देखें स्लीव्स के ऊपर जो है वो जरी का काम किया गया, जरी भी बोलते हैं इसको, तिल्ला भी बोलते हैं, खूबसूरत सेम पर सेम थ्रेड यूज़ किया गया। और ये इसकी बैक साइड जैसे कि आपको दिखाएगी, बैक साइड की चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि फ्रंट आप देख सकते हैं नॉर्मली जो है ये फ्रंट इतना रेडी हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े तो ये देखें ये बैक का आप कपड़ा देखें कितना ज़्यादा है, तो आप कली के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लीव्स आपको दिखा दिए गए, प्योर बैम्बो शिफॉन के स्लीव्स हैं थ्रेड और जरी के काम के साथ, ये इसका पैच आ गया, ये इसकी बैक साइड की पट्टी आ गई, फ्रंट और बैक पर जो है वो पट्टी यूज होगी, पैच ये आप देख सकते हैं फ्रंट का पैच जो ओरिजिनल में है फ्रंट, और साथ ये जो ये वाला पैच है ब्लू कलर का ये बैक साइड पर भी यूज़ होगा, और ये आ गए आर्टिकल के दोनों स्लीव्स के पैच आ गए, सेम टू सेम जिस तरह ओरिजिनल में पैचेस दिए गए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे आपको पैच दिए जा रहे हैं प्योर बैम्बो शिफॉन के ऊपर। फैब्रिक की क्वालिटी भी इवन सेम टू सेम वही है जो ओरिजिनल में थी। ये आ गया इसका दुपट्टा, प्योर बैम्बो शिफॉन का दुपट्टा। एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करें तो माशाल्लाह फाइन क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी की गई है, फुल जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, और ये इसकी फोर साइड जो है वो पट्टी इसकी लगेगी, ये देखें ये दो साइड पर जो है वो इसके साथ एम्ब्रॉयडरी की गई है, लेकिन ये कट करने के बाद उसके साथ जो है वो अटैच की जाएगी, और पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल नंबर 04 सिल्क दुपट्टे के साथ है, जैस्मीन बाय बारूक के आप आर्टिकल्स देख रहे हैं सेम एज ओरिजिनल के आर्टिकल्स। ये आ गया जी इसका रशियन ग्रिप का ट्राउज़र आ गया इसका, और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है और सेम पर सेम काम है, बेस भी सेम है और धागे की कलर स्कीम भी बिल्कुल बेस के अकॉर्डिंगली यूज़ की गई है। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो मल्टी कलर्स को काफ़ी हद तक पसंद नहीं करते, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं। ये आ गया जी उसका फ्रंट प्योर बैम्बो शिफॉन का, इसके साथ जो है वो धागे और सीक्वेंस का काम किया गया। ये आ गई जी इसकी प्योर बैम्बो शिफॉन की बैक आ गई, एम्ब्रॉयडरी की आप क्वालिटी करीब करके आपको दिखाते हैं। ये जी इसके प्योर बैम्बो शिफॉन के स्लीव्स आ गए, ये देखें सेम पर सेम एम्ब्रॉयडरी की गई है, बड़ा डिसेंट आर्टिकल है ये और ख़ूबसूरत आर्टिकल है। स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करें, और ये आ गया जी इसका फ्रंट का पैच आ गया, और ये इसके स्लीव्स का पैच आ गया, पैच वर्क की क्वालिटी, थ्रेड और सीक्वेंस वर्क यूज़ किया गया है, इस तरह फ्रंट के पैच में भी जो है वो थ्रेड और सीक्वेंस का काम साथ साथ यूज़ किया गया, करीब करके आपको क्वालिटी साथ साथ दिखाई जा रही है, सेम एज ओरिजिनल के आर्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं। जैस्मीन बाय बारूक ये इसका आ गया सिल्क का दुपट्टा, प्रिंटेड सिल्क दुपट्टा जैसे कि ओरिजिनल में था, डिटो सेम टू सेम वैसा ही दिया जा रहा है। 5 आर्टिकल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, 5 के 5 हिट कोड्स हैं जैस्मीन की कैटलॉग के, और सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं आर्टिकल्स की आती है। लास्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, सबसे अच्छा और मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 06 ग्रे कलर का ये आर्टिकल है, इसका आ गया रशियन ग्रिप का ट्राउज़र, और
शिफून के ऊपर इसकी शर्ट है और इसके साथ साथ ब्रीजे नेट का इसका दुपट्टा दिया गया है। ये आ गया जी इसका फ्रंट, फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट, सीक्वेंस का काम किया गया है, साथ जरी का काम किया गया पूरे फ्रंट के ऊपर। ये देखें ये इसका फ्रंट आ गया। एम्ब्रॉयडरी की तरफ अब चलते हैं, उसकी आपको क्वालिटी दिखाते हैं। जिस तरह ओरिजिनल में था, जिस तरह ओरिजिनल में कलर स्कीम यूज़ की गई है, सेम टू सेम वैसे ही है, किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं किया गया। इसकी नेकलाइन आ गई, ये उसकी प्योर बैम्बो शिफॉन के ऊपर बैक आ गई, एम्ब्रॉयडर्ड बैक। और ये देखिए जी, ये आ गया इसका फ्रंट और बैक का पैच। आप पैच की मेजरमेंट देखें, जिस तरह ओरिजिनल में है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे दी गई है। फ्रंट और बैक का पैच, ये भी जो है दो पैच जो है वो फ्रंट पर यूज़ होने हैं। इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र पर भी यूज़ किया जा सकता है। देखें आप, एक तरफ जो है वो जस्ट ये वाला पैच दिया गया और दूसरी पिक्चर में शर्ट को लॉन्ग शर्ट किया गया, इसके लिए जो है वो दो पैच यूज़ किए गए हैं। साथ इसके आगे इसके स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड और जरी के काम के साथ स्लीव्स आ गया उसके, और लास्ट में इसका दुपट्टा आ गया, ब्रीजे नेट का इसका दुपट्टा, जिस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम वैसे ही इसका दुपट्टा दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।